ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସଜା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଜଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ। ବଡ଼ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। सुबह 8 बजे हिंदी में प्रेयर होगी और अंग्रेजी की प्रेयर सुबह 10 बजे होगी। उसके बाद 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक के लिए, दोपहर के 12 से रात को 9 बजे तक चर्च खुला रहेगा दर्शन के लिए। तो उसमें हर जाति धर्म के लिए, नोएडा वासियों के लिए खुला रहेगा। वो लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, जो उनको अपना श्रद्धा है वो पूरी करके दर्शन के लिए आएंगे। जैसे 25 दिसंबर हम ईसाई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे ईश्वर इंसान बनकर हमारे मुक्तिदाता इस संसार पर आए हुए दिन है। हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे वार्डो में हमारे ईसाई लोगों के घर पर हम करोल सिंगिंग के लिए गए थे हमारे युवजनों के साथ। कल 11:30 बजे रात को हमारे पूजनीय विश्व स्वामी जी की तरफ से विशेष प्रार्थनाएं होगी क्रिसमस की, और 12 बजे को मीसा बलिदान चढ़ाएंगे हम एक साथ मिलकर। मैं एक हिंदू हूँ, फिर भी हम लोग कैथोलिक लोगों का क्रिसमस अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इधर मार्केट में जो आपको इधर कुछ मतलब कैथोलिक का जो मिलता है, तो आपको सब वेराइटी आपको इधर मिलेगा। वेराइटी भी अच्छा है और रेट भी अच्छा है। और हम लोग मतलब इधर देख के मतलब अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है कि इधर आके मैं इतना खुश हूँ कि इधर मेरे को सब तरह का इधर चीज़ मिला है। जीशु ख्रीष्ट गुहाल जन्मग्रहण करिथिबारु एहार प्रतीक स्वरूप विभिन्न चर्च मानक एक छोट गुहाल तैयारी होइछि। एवं से गुहाल बाबा जोसेफ और माँ मेरियम सहित कुनी जीशु मूर्ति को रखा जाइछि। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କେକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିବାକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେକ୍। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସେ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଜାନୁଆରୀ ମେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହୋନେ ବାଲା ହେ। तो राम मंदिर अभी हम लोग के लिए एक क्या बोले हृदय से निकलता है, एक निदर्शन है हम लोग के लिए। तो जब से राम मंदिर शुरू हुआ है तब से कुछ कोशिश था कि इसके लिए कुछ करूं। तो मैं केक आर्टिस्ट हूं, तो इसलिए सोचा कि केक से ही क्यों ना राम मंदिर बनाया जाए, इसलिए हम केक से ही राम मंदिर बनाए। अब कई घंटा पर आरम्भ हुई बड़ा दिन सेलिब्रेशन। एवं केवल से ही क्षण को अपेक्षा ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।